मैंने ये सब डाल दिया है। मैं आज बनाने जा रही हूँ छोले की सब्ज़ी, देख सकते हो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और तेज़पत्ता ऐड किया है ऑयल डाल के। अभी मैं डालूँगी ये कांदे लहसुन और अदरक का पेस्ट। देख सकते हो देखो पक रहा है मेरा मसाला कितने अच्छी तरीके से। ये है छोले जो जिसको मैंने उबाल लिया है अच्छे से, बटाटे को भी, और ये टमाटर पेस्ट है, ये ग्रीन धनिया, देख सकते हो आप लोग। मसाला भी ऐड करके आप लोगों को दिखाएंगे। देखो फ्रेंड्स काफ़ी टेस्टी रेसिपी है। ये रेड टमाटर पेस्ट है, मैं ये भी डाल देती हूँ। अब देख सकते हो इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। कितना भारी कलर दिख रहा है देखो। अभी अपन मसाला भी इसमें ऐड करेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से पक जाओ, जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक मसाला नहीं पका रहेगा। देख सकते हो अच्छे से। देखो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को मसाला भी बता देती हूँ। मिर्ची पाउडर, छोले मसाले और ये गरम पाउडर, गरम मसाला पाउडर है, और ये धनिया पाउडर है, देख सकते हो। ये सारे हमको ऐड करना है। ये मिर्ची पाउडर है, और थोड़ा सा टर्मरिक ऐड करेंगे, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि ये हम लोग नवरात्रि के नवें दिन खाना बना रहे तो फ्रेश खाना बनाना पड़ेगा। देखो हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है, देख सकते हो। मैंने सोचा आप सभी के साथ भी छोले की रेसिपी शेयर करूं। देखो फ्रेंड्स इसमें सारे मसाले हैं, इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिया है, देख सकते हो। टर्मरिक है, रेड मिर्ची पाउडर है, गरम मसाला है, इसके नीचे मैंने छोला मसाला भी डाला है। अब इसके अंदर डाल देते हैं और इसे फिर अच्छे से हिला लेते हैं। मसाले को पकने देते हैं जब तक ये पानी ना छोड़ दे, जब तक ये तेल ना छोड़ दे, सॉरी फ्रेंड्स। इसको पकने देते हैं अच्छे से जब तक ये तेल ना छोड़ दे। देखो फ्रेंड्स इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, देख सकते हो कितना भारी ग्रेवी लग रहा है। अब इसको पकने देते हैं जब तक ये तेल ना छोड़ दे, देख सकते हो कितना भारी ग्रेवी लग रहा है। और ये हमारे छोले हैं जिसे हमने अच्छे से उबाल लिया है, देख सकते हो कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये बटाटा देख सकते हो, सारे मसाले मैंने ऐड कर दिया है। देखो इसको पकने दो जब तक ये तेल ना छोड़ दे, उसके बाद हम सारा मटेरियल डालने के बाद ही नमक डालेंगे अपने पानी के अकॉर्डिंग। जितना हमें क्वांटिटी चाहिए रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम पानी यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स हमारा मसाला तेल छोड़ चुका है, अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से पक चुका है, देख सकते हो आप। मेरा बैक कैमरा थोड़ा धुंधला है, मतलब थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, इसीलिए क्लियरिटी ज़्यादा नहीं आ रही है, पर फिर भी आप लोग देख सकते हो तेल मसाले ने अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। अभी इसमें हम छोले ऐड करेंगे। छोले ज़्यादा भारी होने की वजह से मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, ये बटाटा है, देख सकते हो आप लोग, इसे हम इसी में मैश करेंगे। अभी मैं आप लोगों को मिक्स करके, क्योंकि छोले ज़्यादा वजन थे इसके लिए मैंने आप लोगों को ऐड करने के टाइम पर बताया नहीं। देख सकते हो इसको अच्छी तरीके से अपने मसाले में ऐड मिक्स कर लेते हैं। ये नौ कन्या को हम भोजन करने के लिए बना रहे हैं छोले, और पूरियां हमने बना ली है। आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग नौ कन्या की कैसी सेवा करते हैं और क्या क्या उन्हें भेंट में देते हैं माता रानी को, वो सारी चीज़ें हम लोग मैं आपको दिखाऊँगी।
पहले हम छोले बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। अभी हमारे घर में पूजा होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने सारे मिक्स कर दिए अच्छे से, और कितना टेस्टी लग रहा है। आज हमारी नौ कन्या सारे खुश हो जाएंगे इतनी भाजी, टेस्टी भाजी खा के। और अपने अकॉर्डिंग हम पानी इसमें ऐड कर देते हैं, जितना हमें चाहिए, जितने क्वांटिटी में हमें भाजी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, मैंने पानी ऐड कर दिया है। आपने ज़्यादा घट भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे। देख सकते हो ज़्यादा पतला नहीं है। इसे हम अच्छी तरीके से पकने देते हैं, और मैंने अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दिया है। अभी इसे पकने देते हैं, और नौ कन्या को हम कैसे सेवा करने वाले हैं वो भी दिखाएंगे। और हमारे घर में छोटा सा हवन है, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। हवन होने के बाद हम सारे कन्याओं को खाना खिलाएंगे। अभी के लिए हमारे छोले पक जाएंगे, तो फिर हम आपको सर्व भी करके दिखाएंगे। और कन्या माता रानी कैसे खाते हैं, माता रानी की सेवा कैसे करते हैं, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। अभी के लिए हमारे छोले पकने देते हैं हम धीमी आंच पे। मैंने ढक दिया फ्रेंड्स अच्छी तरीके से, अभी से पकने देते हैं। आगे की रेसिपी मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी माता रानी देख सकते हो, हवन ख़त्म हो चुका है। अब हम थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद नौ कन्या लोगों को बुलाएंगे। थोड़ा घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, और मैं अपने छोले भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि पक चुके हैं। पूजा हो रहा था इसके लिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा भी पतला नहीं किया है, और ज़्यादा मसाला मैंने ऐड नहीं किया है, नॉर्मल मसाला रखा है मैंने। देख सकते हो आप लोग, मिलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी कन्या को हम भोजन करवाएंगे, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मेरी बहन हार बना रही है, और इतने सारे फूल है अलग अलग कलर के, और ये देखो हार बना रही है। जैसे ही हार तैयार हो जाएगा हम आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी हवन स्टार्ट होने वाला है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं हम। बस दो मिनट में हवन स्टार्ट होने वाला है, और कन्या को हम भोजन कैसे कराएंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स, हवन स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे हमारे में से गाना गाते हैं। सारे डॉलर है, देखो इसमें हम 10 रुपीज़, 10-10 का नोट और एक डॉलर मिला के माता रानी कन्याओं को 11-11 रुपये देंगे। देख सकते हो, कपूर है वो ऐसी कटोरी।
मैं आप लोगों को अपना छोला दिखाती हूँ, पक रहा है कि नहीं पक रहा है। तो फ्रेंड्स देखो कोई उबाल नहीं आया है, जैसे ही उबाल आ जाएगा, पकने लगेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पूजा दिखाती हूँ, चलो पूजा स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स उबाल आ चुका है छोले में, देख सकते हो, देख सकते हो मेरा छोला कितना टेस्टी दिख रहा है। उबाल आ चुका है, इसे पकने देते हैं, देख सकते हो। मैंने डार्क रसा रखा है, सालन ज़्यादा हल्का नहीं किया है, देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो। ताकि अगले टाइम तुम लोग को कपड़ा मिले, आशीर्वाद दो। ए मॉडल हाँ मम्मी ए जाइसी एक बार हाय करो सब लोग, हाय इधर पे नैन्सी हाय कालू हाय अरे कार्तिक वहां पे सब रोहू है और अच्छा कुछ खाओ लेने दो फ्रेंड्स कैसे आप सब हो, आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि आज मैं दिन भर घर में क्या करती हूँ और क्या करते हैं हम लोग, कहीं बाहर जॉब वगैरह नहीं जाते, हम लोग छोटा मोटा काम अपने घर में ही कर लेते हैं। और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हम लोग क्या काम करते हैं जिससे हम लोग रोज़ दिन का 200 कमा लेते हैं, सिर्फ घर बैठे 2 से 3 घंटा टाइम निकाल के। आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ दिन भर।
जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैं अभी इसमें LED लगा रही हूँ। बस ये घर में टाइम पास करने के लिए है। हम लोग शोल्डिंग करते हैं, देख सकते हो आप लोग। ये LED में पूरा लगा लूँगी, फिर इसको इस टाइप में गिरा लूँगी। अभी ये खड़ा ही है, देख सकते हो आप लोग। फिर मैं इसको इस टाइप में लगा लूँगी। ये मेरे पापा ने करके लेके आए हैं। फिर उसको मैं अच्छी तरीके से लगा लूँगी। लगाने के बाद ये है शोल्डिंग वायर, एंड ये है, इसे गम बोलते हैं, जो इसमें चिपकाने के लिए, इसे पेस्ट बोलते हैं, जो इसमें चिपकाने के लिए लगता है। हम लोग शोल्डिंग करते हैं। आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा कि अपन शादी फंक्शन में जाते हैं तो फिर वहाँ पे लाइटिंग वगैरह का काम होता है, तो वही लाइटिंग बनाते हैं हम लोग, देख सकते हो आप लोग। ये है वो लाइटिंग, इसमें हम लोग ये पूरे बल्ब लगाएंगे, फिर आप लोगों को जला कर भी दिखाएंगे कि कितना प्यारा लगता है। और यही शोल्डिंग हम लोग रोज़ करते हैं अपने घर में। रोज़ हम लोग इसमें 100-200 का काम कर लेते हैं, रोज़ का रोज़, मैं और मेरी सिस्टर। तो ये देख सकते हो, ये बल्ब जो है, ये वाला बल्ब है जो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। पैकेज देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो लिखा है RG। RG मीन्स होता है, ये रेड एंड ग्रीन बल्ब है, रेड एंड ग्रीन बल्ब है। मैं आप लोगों को जला कर भी दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल सी बैटरी है मेरे पास, जो कि सैमसंग मोबाइल की है। अभी मैं आप लोगों को इसको यूज़ करके दिखाती हूँ, ये कौन सा बल्ब है, देख सकते हो आप लोग। देखो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये कौन सा बल्ब है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये ग्रीन एंड रेड ब्लफ है। आप लोगों को नहीं दिखता होगा, एक मिनट हाँ दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया ये ब्लफ है, जो RG लिखा था पैकेट में, वो आप लोगों को मैं जला कर दिखाऊंगी। तो ये मेरे पास एक छोटी सी सैमसंग की बैटरी है, देख सकते हो, इससे मैं आप लोगों को जला कर दिखाऊंगी कि ये बल्ब RG मीन्स ग्रीन एंड रेड होता है। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा रहता है, देख सकते हो रेड एंड ग्रीन जल रहा है, ये देख सकते हो। पकड़ है फ्रेंड्स, जिससे हम ये निकालते हैं इसमें की तार, देख सकते हो आप लोग। इसमें हमें ऐसा तार निकालना पड़ता है, ऐसा तार जिसे हम शोल्डिंग करेंगे, इसे से अटैच करना पड़ेगा हमें, ऐसे दोनों को भी अटैच करना पड़ेगा, तब ये जलेगा। ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग, ये दो साइड होता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये साइड में कौन से भी, दोनों साइड में से कौन से भी साइड में अपने को दो कलर के बल्ब लगाना है। यहाँ पे लगेगा ग्रीन एंड रेड, यहाँ पे लगेगा ब्लू एंड रेड। तो ये 50 है एंड ये 50 है, देख सकते हो फ्रेंड आप लोग, ये 50 है और ये 50 है। तो यहाँ पे रेड और ब्लू लगेगा, और यहाँ पे ब्लू रेड एंड ग्रीन लगेगा। तो यहाँ पे रेड एंड ग्रीन मैं लगाने वाली हूँ, यहाँ पे रेड एंड ब्लू मेरी सिस्टर लगाने वाली है। तो फिर उसके बाद हम इसको पूरा तैयार होने के बाद आप लोगों को जला कर भी दिखाएंगे। और ये तो जैसे कि मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया, इससे हमें तार निकालना पड़ता है ऑलरेडी, ये पहले से ऐसा नहीं रहता है, इसमें बहुत सारे काम है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉक में फुल वीडियो भी दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या करते हैं शुरुआती से। और ये मेरा शोल्डिंग है, देख सकते हो आप लोग, इसी से मैं शोल्डिंग करूँगी, इसको अटैच करूँगी मैं ये वायर में, और फिर उसके बाद मैं उसको पूरा आप लोगों को जला कर दिखाऊँगी। अभी इतने पूरे पैकेट है, ये पैकेट में हम लोग 20 पीस बना सकते हैं फ्रेंड्स, 20 पीस बनाते हैं हम लोग ये पैकेट में। अभी ये मैं पूरा कवर अप कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि शोल्डिंग कैसा करना है। ओके, मैंने सब में लगा लिया है, पूरा 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 भर लिया है, देखो मैंने पूरा कवर कर लिया है। अभी इसे मैं आप लोगों को बताती हूँ गिराना कैसा है, देख सकते हो, ऐसा गिराना है अपने को, ऐसा गिराना है। ये दो टाइप से बनता है, कोई कोई डायरेक्ट हाथ से बनाता है, पर हम लोग को हाथ से नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग ये पलाउड में लगा के फिर बनाते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे होल है, जिसमें हम लोग ने LED वो किया है, ये भी हमने ही करवाया है,
उसका एलईडी हम लोग ने एडजस्ट किया है छोटे छोटे होल में, देख सकते हो आप लोग, ये भी हमने ही करवाया है। और अभी इसको मैं सारे बल्ब को गिरा लेती हूँ, ऐसा देख सकते हो ये पूरा खड़ा है, तो इसे हम गिरा लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें इसका ऐसा वायर निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद हम लोग इसको एलईडी में अटैच करते हैं, फिर उसके बाद ये जलता है। तो देख सकते हो मेरी मम्मी निकाल रही है वो पकड़ से, जो पकड़ मैंने आपको दिखाया था जिससे वायर छीलते हैं, देखो ऐसे इस टाइप से मेरी मम्मी निकालती है उसे। ऐसा निकालने के बाद फिर हम लोग इसको एलईडी में अटैच करेंगे, देख सकते हो आप लोग, ऐसा मेरी मम्मी निकालती है इसको, देख लो ध्यान से। तो फ्रेंड्स, इसमें माइनस प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, देख सकते हो आप लोग। इससे माइनस प्लस में अपने को वायर भी वैसे ही माइनस प्लस देख के लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपना लाइट नहीं जलेगा। माइनस प्लस अगर थोड़ा भी रॉन्ग हो गया तो फिर लाइट नहीं जलेगा। आप ध्यान से देख सकते हो, एक छोटा है एक बड़ा है, ये माइनस है प्लस है, आप देख सकते हो। फिर ये अपने को ध्यान से ये देख के ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर लाइट जलेगा नहीं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग, ये वायर जो रेड वाली वायर देख सकते हो आप लोग, इस साइड से आई है, लेफ्ट की राइट है, सॉरी लेफ्ट। फ्रेंड्स, जैसा आप सब देख सकते हो इसमें दो वायर है, दोनों वायर अपने को यहाँ पे माइनस प्लस में अटैच करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे अटैच करना है। तो ये जो लेफ़्ट साइड से वायर आया है देख सकते हो आप लोग रेड वाला, वो रेड वाला हम लोग माइनस में लगाएंगे, एंड जो ये पर्पल कलर का है वो अपन प्लस में लगाएंगे। ये अपने को ध्यान देना है कि, देख सकते हो फ्रेंड्स, ये रेड एंड पर्पल कलर का दो वायर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को माइनस और प्लस बताया था। तो ये माइनस और प्लस में, ये जो पर्पल कलर का है यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, यहीं से एलईडी जलेगा, इससे आप यही वायर से यहीं पर सर्किट लगेगा, इससे अपन जला कर देखेंगे और जला कर भी आपको दिखाएंगे हम लोग। और ये देख सकते हो ये पर्पल वाला है जो, वो यहाँ माइनस में लगेगा बड़े वाले में, और ये जो रेड कलर का है वो छोटे वाले। जैसा कि देखा फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी माइनस और प्लस की। अभी इसमें हम ये गम है जो मैंने बताया था आपको पेस्ट, वो इसमें ऐसे लगाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा ये जो ये शोल्डिंग वायर है उसको हम लोग लगा कर इसमें अटैच करेंगे। आप लोग देख सकते हो मैंने इसको ऐसे अटैच कर दिया है, देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने इसको अटैच किया है, ये टूटने जैसा भी नहीं है। फिर ये एक छोड़कर हम लोग फिर एक में लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें रेड और ब्लू लगने वाला है, और इसमें रेड और ग्रीन। तो फिर मैं और एक में आप लोगों को लगा कर दिखा देती हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने कितने मजबूत मैंने आप लोगों को बताया कि एक और मैं लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखो मैंने इसमें इतने अच्छे तरीके से अटैच कर दिया है, ऐसे ही ये पूरे 50 वायर में लगेंगे, और इसमें जो बीच बीच में मैं छोड़ रही हूँ इसमें रेड और ब्लू लगेगा। ये पूरा तैयार होने के बाद आप लोगों को हम जला के भी दिखाएंगे, और फ्रेंड्स हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इसमें सर्किट कैसा लगाना है। से माल तैयार हो गया दोनों साइड का, ये 50 लाइट्स है और ये 50 लाइट है, यहाँ पे रेड और ग्रीन है, यहाँ पे रेड और ब्लू है, और देखो इस टाइप का ऐसा बांध के देना पड़ता है दोनों साइड से एकदम फिटिंग। और अभी आप लोगों को मैं जला के पूरा तैयार हो चुका है, यहाँ पे हम लोगों ने लगा लिया सर्किट। सर्किट जैसे कि आप लोग जानते होंगे ये पूरे लाइट को सपोर्ट करने के लिए सर्किट है, डायरेक्ट नहीं जला सकते हम लोग क्योंकि ये बहुत छोटा ही बल्ब है। अभी मैं आपको जला के दिखाती हूँ, ये हमने माल पूरा तैयार कर चुके हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स कितना प्यारा बनाया है हम लोगों ने, ऐसे ही हम ये सारे माल बनाते हैं सारे। देखो कितना प्यारा जल रहा है, देख सकते हो ये रेड एंड ग्रीन है और रेड एंड ब्लू है, ये सारे माल हम लोग ने इस टाइप का तैयार किया है। मैं आप लोगों को सारे नहीं जला के दिखा सकती, फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को दिखाया कितना प्यारा जल रहा है। अभी से हम निकाल देते हैं, ये बोर्ड है मास्टर बोर्ड, इसको हम लोग इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये उड़ जाता है, मतलब फ्यूज हो सकता है पूरा बल्ब, इसीलिए ये जो ये डब्बा है ना इसमें सर्किट है, ये इसको सपोर्ट करता है, और इसको सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।
अच्छा लग रहा है देख देख। हम लोग बेगम भी आते हैं। वही घर को अच्छा लगता है देख। अरे अरे बोलो कितना अच्छा है। बाबू हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब हो? आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बिग बाइट क्रंच करते हैं और क्रंच स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा चैनल में इशू है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। हर जो भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ उसमें येलो डॉलर आ रहा है, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो जल्दी से चैनल ठीक हो जाएगा तो फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अभी क्रंच स्टार्ट करते हैं।